मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं, मेरा व्लॉग, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम। आजकल कराची का मौसम बहुत खूबसूरत है, रिमझिम पड़े फुहार, और ये फुहार जो है वो हर वक्त सुबह के वक्त ख़ास तौर से जो है हवा में मिली जुली आपको बहुत खुशगवार तासुर देती है। तो कराची में फिजा में मोती बरस रहे हैं। आजकल जो है कराची का ये मौसम बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा ये हो गया है कि हर तरफ जो है पाकिस्तानी परचमों की बहार है, और इस खूबसूरती में इजाफा इस वजह से हो गया है कि हर तरफ जो है कौमी परचम जो है वो लहरा रहे हैं, और जगह जगह कौमी परचमों के स्टॉल लगे हैं। मैं गुज़िश्ता दो रोज़ से शहर की गलियों में, सड़कों पर और बाज़ारों में घूमा हूँ, और वहाँ मैंने जिस बड़ी तादाद के अंदर कौमी परचम और जो है सब्ज़ रंग की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बच्चों के चश्मे हैं जो वो सब्ज़ रंग के बनाए गए हैं, घड़ियाँ हैं जो जिनके पट्टे सब्ज़ हैं, इसी तरीके से उनके लिबास हैं जो सब्ज़ रंग और झंडों से मुज़य्यन किए गए हैं, और ये तमाम अशिया जो हैं पाकिस्तान के लोगों ने ही तैयार की है। पाकिस्तान के गरीब आवाम जो है कारखानों में जो काम करने वाले हैं, जो रोडों पे और मिलों में मजदूरी करने वाले हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान का आज़ादी का जश्न जो है वो बहुत एहतमाम से मनाते हैं। पाकिस्तान से जो कुर्बत और मोहब्बत पाकिस्तान के गरीब आवाम को है वो इन अमीरों को नहीं है जो गाड़ियों में बैठ के, जहाज़ों में सफ़र करके और असेंबलियों में और बड़े बड़े महलात के अंदर रहते हैं। उन्हें तो ये एहसास ही नहीं होता कि ये पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत थी जो अल्लाह से इस वादे पे हासिल की गई थी कि हमें इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, अल्लाह के दीन को कायम करेंगे और इस दीन को अपना कानून बनाएंगे। लेकिन ये ख्वाब आज 76 बरस पूरे हो रहे हैं और 76वीं सालगिरह मनाई जा रही, लेकिन आज 76वीं सालगिरह मनाने पर भी हम ये वादा अल्लाह से पूरा नहीं कर सके हैं, और ये वादा जो है वो आवाम तो किसी ना किसी दर्जे के ऊपर इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हुक्मरान बिल्कुल तैयार नहीं है, और हुक्मरानों का एक ऐसा टोला 76 साल के अंदर वजूद में आ गया है जो इस मुल्क के वसाइल को धीमक की तरह चाट रहा है, वो इस मुल्क के वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है और उन्होंने आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, पाकिस्तान की जो लोगों ने कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके से असमतें कुर्बान हुई, जिस तरीके से लोग शहीद हुए, जिस तरीके से लोगों ने अपना कारोबार और अपने घर बार को तज के इस सरजमीन को आबाद किया, आज उन्हें वो उन ख्वाबों की ताबीर नहीं मिली। इन गलियों और बाज़ारों में इन परचमों को बेचने वाले भी गरीब लोग हैं, ऐसे लोग जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, जो बाज़ारों में और मेले ठेलों के अंदर अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। तो लोगों में जो मोहब्बत और जोश और जज्बा है वो बच्चों की वजह से, बच्चे भी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, बच्चे अपने हाथ में परचम लेना चाहते हैं, अपने घरों की छतों पर परचम लहराना चाहते हैं, और बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान को इस जो गुज़िश्ता नस्ल है इसने बहुत मायूस, पाकिस्तान को बनाने वाली नस्ल ने हमें जो अमानत दी थी हम उस अमानत को सही तौर से उसका बार उठाने के काबिल नहीं हुए, हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल नहीं छोड़ा, और हम वो आसाइशें और वो सहूलतें अपने बच्चों को देने में नाकाम रहे, और आइंदा भी इस बात के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें जब मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए,
अपनी कौम के लिए क्या छोड़ा है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हमने इस आवाम का और इस कौम का जो सबसे बड़ा असासा था, इखलाक, किरदार, अमानतदारी, इन सब से हम महरूम हो गए हैं। लेकिन अब भी इसके लिए जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी, इस मुल्क को संवारना पड़ेगा। यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमारा वक्त तो अब पूरा होने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त इन बच्चों का है। इनके लिए कुछ कर जाइए, यही सबसे बड़ी कामयाबी।